जैसे दोस्तों आप सभी लोग को पहले से ही पता है कि मोटोरोला अपने एज 50 प्रो को इंडिया के अंदर 3 अप्रैल को लॉन्च करने वाला है। इसके साथ इसके पूरे स्पीकर फीचर को भी हाईलाइटेड कर दिया है फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल इसकी वेबसाइट फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर पूरी तरह ऑफिशियल इसकी पूरी तरह टीज करने लगा है। इसकी फीचर स्पीकर क्या क्या देखने को मिल जाएंगे इसके साथ ही पूरे डिटेल्स सामने आ चुकी है। तो अभी तक आपने इस फीचर को अगर आप नहीं जानते इस वीडियो पूरा अंत तक देखिए क्या क्या इसके अंदर फीचर होने वाली है, स्मार्टफोन की प्राइस क्या होगी, क्या डिटेल्स में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पूरा अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कह सकते हैं मोटोरोला अपने एज 50 का प्रो को लेकर काफी खास फीचर बना रही है जो कि सिलिकॉन लेदर वगैरह की फीचर फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि कर्वी टाइप का डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाएगा। साथ में स्मार्टफोन को 6.7 इंच के आपको पीओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि डिस्प्ले के अंदर ही पंच होल डिस्प्ले होगी जो कि पंच टाइप का इसमें कैमरा मॉडल भी देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल भी 30 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। उसके साथ में माइक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। वही फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि ऑटो फोकस मोड भी देश में अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं फ्रंट कैमरा का से बैक कैमरा काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो स्मार्टफोन में प्रोसेसर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छे प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा और इस प्रोसेसर काफी अच्छे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अच्छे प्रोसेसर के साथ देखने को मिल रहा है। वही स्मार्टफोन में आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ। तो कहा जाए ओवरऑल कहा जाए फीचर्स वगैरह डिस्प्ले फीचर्स और कैमरा को लेकर तो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। वही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 बेस पर रन करने वाला। वही स्मार्टफोन में यूआई की बात करें तो इसमें हेलो यूआई देखने को मिल जाती है जो कि ऑलरेडी मोटोरोला की स्मार्टफोन में हेलो यूआई वगैरह देखने को मिल जाती है एक चीज है। और स्मार्टफोन में आपको अक्सर मोटोरोला के स्मार्टफोन में 1 साल तक कह सकते हैं ऑपरेटिंग फीचर देखने को मिल जाता है और कह सकते हैं इस बार भी कुछ अलग चीज देखने को मिल सकता है डिफरेंट। वही स्मार्टफोन की बैटरी वगैरह की बात करें तो आपको 4500mAh की बैटरी वगैरह देखने को मिल जाएगी। वो स्मार्टफोन में डेढ़ कह सकते हैं 125W का आपको वायर चार्जिंग देखने को मिल जाता है जो कि टर्बो होगी। वही वायरलेस की बात करते हैं 50W का आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को सपोर्टेड मिल जाता है। ओवरऑल कहें जब स्मार्टफोन के फीचर काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। वही की प्राइस की वगैरह के लेकर कहते हैं तो प्राइस के लेकर अभी कोई भी खुलासा भी नहीं हुआ कि इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या देखने को मिलेगी। पूरी डिटेल्स में सामने जैसे ही स्मार्टफोन लॉन्च होता है सब कुछ प्राइस वगैरह भी सामने आ जाएगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा इस स्मार्टफोन के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।